आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव, सच कहने का साहस। इसको भी अपडेट करने का एक मशीन यहाँ भी करोड़ों का उपलब्ध करा रहे हैं। बांका जिला में नहीं था, ढाका में हम बगल में कर रहे हैं। और इसी प्रकार से जो भागलपुर बांका अभी तीन जगह लग चुका है, पूर्णिया में और आपको जा करके पूर्णिया और मुंगेर और आपको बोधिया, ये तीन जिला में लग चुका है। और लगभग बक्सर, सासाराम, कैमूर, जो नालंदा, ये जो हमारे ज़िले हैं, बेतिया और इस प्रकार से अन्य ज़िलों में लगभग 9 आरटीपीसीआर, सारण, गोपालगंज, छपरा और गोपालगंज, ऐसे 9-10 ज़िले हैं जहां पर हम आरटीपीसीआर लैब, एक आधुनिक अत्याधुनिक लैब जिसमें सब प्रकार के मॉलिकुलर टेस्ट भी होंगे और कोविड का भी टेस्ट होगा एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ। हम ये बिहार सरकार को, बिहार के संस्थाओं में और साथ साथ हम एम्स में अभी एक कोवाश मशीन हमने MRI को, राजेंद्र मेमोरियल इंस्टीट्यूट को दिया है। एक कोवाश मशीन हम और अगले 10-15 दिनों के अंदर वो मशीन वहाँ से चल चुका है विदेश से, और उस मशीन को बिहार में उपलब्ध करा रहे हैं। बहुत बड़ी क्षमता है उसकी, कोवाश मशीन का। एक मशीन से 1500 टेस्ट हम कर सकते हैं, 1500 से 2000 का टेस्ट उसमें होता है। तो हम पटना में वो एम्स हो या और कोई संस्था, वहाँ लगाने का काम करेंगे। तो बिहार सरकार के लिए और केंद्र सरकार के सहयोग से हम RT-PCR और मॉलिकुलर लेव अत्याधुनिक, इसको हम बिहार में बैठा रहे हैं। जो हमने वादा किया था, हम उस वादे में खड़े उतर रहे हैं। और आने वाले जो मशीनें चली है, तो मुझे लग रहा है कि दिसंबर महीने में ये सभी जगहों पर लैब स्थापित हो जाएंगे और उसको हम संचालित करने में सफल हो पाएंगे। आप सबको मालूम होना चाहिए कि वैक्सीन ये बूथ बना करके हम कैसे उसको उपयोगी बना पाएंगे, और जिनको जिसकी आवश्यकता जैसे है, हम आवश्यकता अनुसार हम देश के अंदर बिहार वासियों को, हमने चुनाव के दौरान ये संकल्प पूर्वक हमने संकल्प पत्र में हमने कहा था कि कोई भी बिहार वासी इसमें छूटेंगे नहीं, और हम मुक्त रूप से वैक्सीनेशन का टीकाकरण बिहार को भी और देश के अंदर अन्य राज्यों से भी हमारी बातचीत हो रही है। हम कैसे उनको सुलभता से और सुगमता से हम वैक्सीनेशन का काम कैसे उपयोगी ढंग से कर सकें, वहाँ की राज्य सरकारों के साथ हर प्रकार से परस्पर बातचीत करके उसको हम सफल बनाने में लगे हुए हैं। और इसमें नीति आयोग, स्वास्थ्य मंत्रालय, सबका बड़ा योगदान है। प्रधानमंत्री जी स्वयं अपने स्तर पर इसकी निगरानी कर रहे हैं। जहाँ तक दूसरा विषय हमारा है, चिकित्साकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, आंगनबाड़ी के सेवक का, ऐसे लोग जो लगातार स्वास्थ्य सेवा में लगी हुई है, तो पहले तो उनको लगाना, और साथ साथ का ये ज़रूरतमंद जो लोग हैं, कोई बीमार हैं और उम्र दराज हो, 65 से ऊपर के लोग हैं पहले उनको लगाएं, 60 से 65 के बीच में, फिर 50 से 60 के बीच का, और कोई 50 से नीचे भी कोई अगर बीमार है, किसी प्रकार के डायबिटीज या इस प्रकार के अन्य फेफड़े की बीमारी से ग्रसित है, तो उनकी प्रायोरिटी हम निर्धारित किए हैं और नीचे के स्तर पर। और ठीक मैंने जो कहा कि पोलिंग बूथ के तरह ही वैक्सीनेशन बूथ भी जगह जगह जिले के अंदर राज्य सरकारें अपनी रचना करेगी, ऐसा भारत सरकार ने लोगों से सुझाव प्राप्त करके हम इस प्रकार के इंस्ट्रक्शन देश भर में देने जा रहे हैं। जहाँ तक थर्ड फेज का ट्रायल, वो जहाँ दो फेज उत्साहजनक रहा, तीसरा फेज भी उसकी शुरुआत कई इंस्टीट्यूट में, दिल्ली एम्स में हो गया है, पटना में शुरुआत हो रहा है, आपको जो 12 इंस्टीट्यूट है उसमें हमारा शुरुआत जो दो फेज का हमने किया है, इसको भी हम शुरुआत कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि यथाशीघ्र वैक्सीन जैसे ही उपलब्ध होगा, और मुझे विश्वास है कि अगले कुछ महीनों के अंदर हम अगले वर्ष में शुरुआती दौरे में हम कह सकते हैं कि इसकी जो युद्ध स्तर पर इसकी तैयारी चल रही है, और उसके तिमाही, इस अगले तिमाही में हम ये जनता को कैसे उपलब्ध करा दें, इसका हर संभव प्रयास प्रधानमंत्री जी से लेकर के और नीचे के स्तर पर हर राज्यों में हो रहा है, ये हमारे लिए सुखद है। इसलिए लोगों को